गुरु जी दी साजी नवाज जी, गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे हो आप जी, गुरमुखां पासों अमृतमय कीर्तन सरवण कर रहे सी, जिस दे विच सरवण कर रहे सी गुरमुख कोट आधार दा दे नामे एक कणी। गुरमुख प्यारे हो सतगुर साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नू उस अकाल पुरख ने, परमात्मा ने इस संसार ते गुरमुख थाप के भेजिया, सतगुर थाप के भेजिया, भाव के आप दा मुख बना के भेजिया कि जो ये बचन बोलणगे वो मैं बोल रहा। मारे सानू गुरबाणी भी समझाउंदे, उन्हां दे मन दा जन्म ही नाम विचों कर दिता, क्योंकि जिहड़ा नाम है उस परमात्मा दे मुख चों प्रगट हो रहा है। मारे की समझाउंदे, कहिंदे जिन को सतगुर थापिया तिन मेट न सके कोए, उन्हां अंतर नाम निदान है नामो प्रगट होए। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने यह जो सच्चा धन है जो बच्चों ने तुम्हें सुनाया नाम धन, इसका संसार ते आके भेज दिता कि एक तो है धन शरीर वास्ते, यह उन्ना चिर काम करता है, इहदा इस्तेमाल असीं उन्ना चिर करदे जिन्ना चिर सवास ने। एक तन है मन वास्ते जिसनू सच्चा तन कहिंदे ने, जो साडे मन दे नाल ही जांदा है, जिसनू महाराज सानू गुरबाणी भी समझाउंदे कि जदों असीं उस तन नू प्राप्त कर लैने उस दे विचों साडे मन दी खुराक सानू मिलदी, साडा मन सुख महसूस करदा। जिन्ना चिर फिर असी हजे श्वासां दी पूंजी रहिंदी है ये धन फिर सानू इस लोक दे विच भी सुख दिंदा है। इस करके महाराज सानू समझाउंदे, कहिंदे हर मंदर ये शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। कहिंदे इस हर मंदर दे विच कौन वसदा है, हर मंदिर में हर बसे सर्ब निरंतर सोए, नानक गुरमुख वंजिए सच्चा सौदा होए। इस नाम नू सच्चा सौदा कह दिता है, क्योंकि गुरमुख प्यारे हो जिहड़ा नाम है उस मालक दे मुख चों प्रगट हो रहा है। इसका भी कोई रूप रंग रेख पेख नहीं, रूप ना रेख अनाहद वाजे शब्द निरंजन किया। इसनों सिर्फ असी सुनते हैं जो सहज दे विच प्रवेश हो जाने, मालक दे सन्मुख हो जाने, उदों सानू उस दी आवाज़ सुनाई देंदी। इस करके गुरु नानक देव जी ने जो जीव इत्थे संसार दे त्रैगुणा विच विचर रहे सन, परम विच पए सन, एक गुरमुख की ड्यूटी करदिया होया इस संसार नूं भेज दिता, समझाउंदे कि तुसी सदा वास्ते इत्थे नहीं आए, कुछ समय वास्ते आए हो। जिहड़ी इह धरती है एक धर्मशाल है, धर्मशाल दे विच जीव कोई लंबा समा नहीं रहिंदा, कुछ समा रह के चला जांदा है, ये धर्मशाल का कानून हुंदा है।
जिसन महाराज सानू समझाउन लगे कहिंदे पौण पाणी अग्नि पताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। इस करके आपां सारे जी इत्थे कुछ समय वास्ते आए हाँ ते समय अनुसार इत्थों चला जाणा। फिर कहिंदे आपां नूं रोज़ दी रोज़ इत्थों भेजा जांदा वापस कर, असीं इस धरती नूं छड्ड जांदे। जिहड़ा इह शरीर है इसका संबंध धरती नाल रहिंदा है, साडे मन का संबंध नहीं, साडा घर सुन है। जदों आपां सौंदे रात नूं जिवें तुसीं अज रात नूं सौंगे सारे, सिर्फ इस धरती का साडे शरीर नूं भी धरती कहिंदे ने, इस धरती का इस धरती नाल संबंध रहिंदा है। ये धरती मास की बनी, ये धरती मिट्टी की बनी, लेकिन जिहड़ा साडा मन है वह इस धरती नूं छड्ड जांदा है। जिन्ना चिर सुआस ने उन्ना चिर इत्थे आउंदा जांदा रहिंदा है। उन्होंने लोगों नूं समझाया कि तुसीं खेती नौकरी दिहाड़ी बिजनेस वणज करदे हो, इस करके नाल नाल तुसीं नाम दा भी वणज करो, ये धन तुहाडे नाल निभण वाला है, जिथे जाओगे तुहाडे नाल जाएगा। जिसनूं महाराज समझाउण लगे कहिंदे सतगुर सो धन सौंपिया जो जी में रहा समाए। दसदे बड़ा विस्थार नाल कि अपना सारयां दा माता पिता वह परमात्मा है, जिसनूं आपां सच कहिंदे, जिसका कोई रंग रूप रेख पेख नहीं, प्रकाश रूप है, निराकार है, लेकिन जीव जड़े सी उन्होंने आकारा नूं परपक कीता होया सी। वह जो पूजा भी करते सी आकारा की करते सी, दरख्तों की, वड वडेरियां की, कोई मटियां मसाणियां की, इस तरीके नाल वो दृष्टमान पूजा ते लगे हुए सन। लेकिन जदों महाराज उन्होंने अदिख की गल सुनाउंदे, अदृश्य की गल सुनाउंदे, विरले विरले जीवां नूं समझ आउंदी। फिर महाराज सच्चे पातशाह इस सच नूं दृढ़ कराउंदे जीवां नूं, जिवें जिवें लोग सिमरन करदे गुरमंत्र नूं दृढ़ करदे ते मन दे विच उन्हां दे वह मालक वसदा जांदा, उन्हां नूं आपदी खुराक मिलदी। जिसनूं महाराज समझाउंदे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। हुण जीवन नूं जिवें जिवें अमृत मिल लगा वह सुखी होण लगे, ते जिहड़े भी जीवन दे नाल विचरदे जिथे भी बहिंदे उठदे, तो उन्होंने संगी साथी उन्होंने पुछते भी तुहाडे जीवन च बड़ी तब्दीली आ गई, बड़े सुखी हो गए जे, बड़ा सहज बोलते जे, भज दौड़ तुहाडी खत्म हो गई लगती, ये किवें होया। वो फिर दसदे भी सानू सत संगत नसीब हो गई, असी गुरु नानक देव जी की संगत जाने तो सानू उपदेश करते ने, उन्हें सानू समझा दिता भी असी इत्थे रहन वाले नहीं, इस संसार साडा नहीं, इस करके इत्थों दे बहुते लालच की लोड़ नहीं, आपां कुछ चिर वास्ते आए, जिवें एक प्रौहणा आउंदा है समय बाद चला जाता है। इस तरह सुबह आपां आउणे शामां नूं चले जाने, अगे असी शरीर नूं आपदा समझदे सी, बच्चों नूं परिवार नूं आपदा समझदे सी, और सानू भेद लग गया भी इह शरीर भी साडा नहीं, इह तां माया दा घर है। इस करके असी हुण संगत करके हौली हौली कोशिश कर रहे हैं कि इस तों उपर उठाया जाए, इस नालों प्यार तोड़िया जाए, आपदे घर वसिया जाए, तो हौली हौली असी आपदे घर वसना शुरू कर रहे हैं, नाम समा रहे, अमृत पी रहे, जिस दे नाल साडे मन नूं शांति है, सुख है। अगे संसार दा धन कोल सी,
फिर भी मन में शांति नहीं सी, टिकदा नहीं सी। लेकिन उन्होंने ऐसा ज्ञान दिता, मन वास्ते खुराक का पेट लग गया। जिवें जिवें असीं नाम च समाउणे ते सुख महसूस करदे, साडा भरम दूर हुंदा जा रहा है। इस करके अगे असीं इत्थों संसार का लालच करदे सी, जिस दे बदले असीं दिन रात दृष्टमान कर्म नूं पहल दिंदे सी कि शायद इस नूं होर इकट्ठा कर लईए, इहदे विचों सुख मिल जाए। तो सानू गुरु नानक देव जी ने समझा दिता भी जिहड़ा सुख है वह तन दे विच नहीं, वह नाम तन दे विच है। की फरमाउंदे महाराज, कहिंदे डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तन तन होसी शार जाने कोई जन। कहिंदे हुण सानू इस गल की समझ पैनी शुरू हुई भी असीं देख रहे हैं जिस जीव दे कोल संसार दा धन ज्यादे है वह भी दुखी है, जिदे कोल थोड़ा है वह भी दुखी है। उस दे भी विचार नहीं रुक रहे, बहुते आले दे ते थोड़े आले दे विचार नहीं रुक रहे, लेकिन दोनों नूं भेद नहीं कि इन्हां विचारां ने सानू दुख दिता होया है। ये पंजे जने सानू दुख दिंदे ने, संगत विच जाण ते सानू भेद लग्या है कि दुख देने वाले साडे अंदर बैठे ने। ये पंजे जने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सानू ऐसी सलाह देंदे ने, हर वेले बकारी पैदा करदे ने, जिसनू महाराज समझाउंदे कि पंच दूत चितवे बकारा मोह माया का एप सारा। कहिंदे भी उत्थे उन्हां दी संगत च बहुत जीव आउंदे ने, अभ्यास कर रहे ने, उन्हां दा लोक भी सुखी हो रहा है ते परलोक भी सुखी हो रहा है, महाराज दी बड़ी शोभा करदे ने लोक। इस तरह संगत दे विच भाई लहणा जी भी जान लगे, पहला वह माता दी पूजा करदे सी, चाला लैके जांदे सी, संगत लैके जाण नूं कहिंदे ने चाला लैके जांदे, तो भेत लग गया संगत का उत्थे पहुँचे। महाराज ने एक कथ कहानी समझाई उन्होंने, पहला उन्होंने पूछया कि लहणा जी तुसी जिस माता कोल जांदे हो वो माता तुहानू की बचन सुनाउंदी ते तुसी उहदे नाल की बचन करदे हो। भाई लहणा जी कहन लगे भी वो जिहड़ी माता है वो तो एक पत्थर की मूर्ति है, सानू कोई वचन नहीं सुनाउंदी, असी उत्थे जाके उहदी उस्तत करके वापस आ जाने, तो असी ये मनते भी असी जे इस तरह चलते रहे तो साडा जीवन जिहड़ा सफल हो जाएगा, साडा जन्म मरण का रोग कट्टिया जाएगा तो असी सुखी हो जाएंगे। हुण महाराज समझाउण लगे, कहिंदे तुसी देवी दे दर्शन करन जांदे हो, चलो तुहानू सुबह इत्थे देवी दे दर्शन करावांगे। हुण भाई लहणा जी सोचण लगे भी शायद महाराज देवी इत्थे प्रगट करके दर्शन कराउणगे। सुबह जदों महाराज दा दरबार सजदा, उस तों पहलां गुरमुख बीबियां ते गुरमुख आके सफाई करदे, पानी छिड़कदे, दरबार की तैयारी करदे, लंगर की तैयारी करदे। महाराज भाई लहणा जी नूं नाल आके लैके आ रहे, कहिंदे देखो भाई लहणा जी ओ किन्नियां देवियां ने सामने तुहाडे। भाई लहणा जी ध्यान नाल देखण लगे, वो कहिंदे जी मैनू तां कोई नज़र नहीं आ रही। महाराज उन्होंने समझाउण लगे, कहिंदे देखो जिहड़ियां बीबियां गुरु घर दी दरबार दी सफाई कर रही ने, तैयारी कर रही ने, ये सारियां सतो गुणी ने, इन्हां दे अंदर जात सत संतोख दया निम्रता खिमा सहनशीलता है, ते नाम दे विच समागियां ने,
कोई अनहद बाणी सुनदियां ने, इस करके देव लोग दियां रूहां बन गईयां ने, इन्हां दा मन देव लोग च प्रवेश कर चुका है। इस तरह जिहड़े गुरमुख सेवा कर रहे ने वह भी देवते ने सारे, वह भी इस अवस्था विच पहुँच गए ने। महाराज सानू गुरबाणी विच समझाउंदे कहिंदे देव स्थाने क्या निशानी, बाजे तै शब्द अनहद बाणी। भाई लैणा जी समझन लगे गल, महाराज दसदे भी साढ़े मन ने देव रूप होना है, तो साढ़े मन ने ही वह सच का रूप होना है। इस करके जिन्ना चिर असीं इस खेल नूं समझदे नहीं, सानू देव लोग का चौथे पद का भेद नहीं लगता। तो भाई लैणा जी ने महाराज समझाउण लगे कहिंदे देखो, जे सच नूं असीं मिलना है वह साढ़े तो दूर नहीं, साढ़े अंदर बार मौजूद है। लेकिन जेकर कोई सानू गुरमुख जिहड़ा उसनूं जानदा है वह समझावे कि इस तरीके असीं उसनूं मिल सकते, फिर मिलाप हो सकता है। जिसनूं महाराज समझाउंदे कहिंदे कित बिद मिलिए कित बिद बिछड़े, ये बिद कौन प्रगटाए जीव। फिर महाराज समझाउंदे कहिंदे मनमुख बिछड़े गुरमुख मिलिए, ये बिद गुरमुख प्रगटाए जीव। हुण गुरु नानक देव जी महाराज गुरमुख सन, सतगुर सन, उन्होंने फिर भाई लहणा जी नूं इह सारी कहानी समझाउणी शुरू की, जिवें संगत नूं समझाउंदे नाल उन्हां नूं भी समझाउंदे। वो दसन लगे भी सानू मालक तो विछोड़न वाले ये साड़ी सुरती नूं साड़े अंदर ही बैठे ने। की समझाउंदे कहिंदे पंच दूत मिल पिरों विछोरी, परम परम रोवे हाथ पिछोरी। कहिंदे इन्हां पंजां ने सानू साड़े उस पति परमेश्वर नालों विछोड़िया। जदों असीं इन्हां दी संगत करन लगे इन्हां सानू दुरमत सिखा दित्ती, ते असीं इन्हां दे आखे लग के आपदे पति नूं माड़े बचन बोल दिते, जिस करके साड़ी उस दे नालों प्रीत टुट गई। महाराज की समझाउंदे कहिंदे टूट प्रीत गई बड़ बोल, दुरमत पर हर छाडी ढोल। कहिंदे माड़े बचन बोलन दे नाल सानू साडे पति ने छड़ दिता, ते हुण जेकर असी इन्हां औगणा नूं छड्डांगे ते गुणा नूं अपनावांगे फिर वह साडा मालक वह साडा पति सानू अपनाएगा। हुण गुरमुख प्यारियो महाराज समझाउण लगे कहिंदे आपां जदों सुभाष देश विच आ जांदे पौन दस्तरों विगड़ जांदा, असी भरम विच चले जांदे, ते ये पंजे जणे साडे स्वासां रूपी पूंजी नूं जिहड़े कि रतन ने इन्ने कीमती ने कि सारे संसार दा धन दईए एक भी स्वास कितों मिलदा नहीं, ये पंजे जणे उहनां नूं लुटना शुरू करदे ने, ते साडे मन दी जिहड़ी खुराक है अमृत उसनूं वी लुटदे ने। जिसनूं महाराज समझाउंदे कहिंदे इस देही अंदर पंचोर बसे हैं, काम क्रोध लोह मोह हंकारा, अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पकारा। ये साडा अमृत लुट लैंदे ने, ते साडा मन खुराक ना मिलन करके कमजोर हो जांदा है। मन संसार दी निक्की निक्की गल ते डोलदा है, भरम करदा है, वहम करदा, दुख महसूस करदा है। जेकर असी इस मन नूं आसरा देवांगे ते साडा मन मजबूत हो जाएगा। हुण भाई लैणा जी कहन लगे कहिंदे महाराज मैं तां आपदे मन नूं जानदा नहीं, ते उहनूं मैं आसरा किवें देवांगा जिस चीज़ दा मैनूं भेद ही नहीं। महाराज दसन लगे कोई गल नहीं, तुहानूं मन दा वी भेद देवांगे, पहलां तुहानूं जिस तरह असीं समझा रहे तुसीं उस तरीके नाल सिमरन द्वारा इस मन नूं भावें तुहानूं उह दिसदा है चाहे उह नहीं दिसदा तुसीं आसरा दिओ।
महाराज की दसन लगे कहिंदे ज्यों मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मणे अस्थमन। कहिंदे तुसी जदों स्वास तुहाडा अंदर नूं जांदा वाहे बोल के सुनो, बाहर नूं आउंदा गुरु बोल के सुनो, इस नूं गुरु दे शब्द दा आसरा हो जाएगा। आओ नाल नाल आपां भी थोड़ा जिहा आसरा दे चलीए, प्रैक्टिकल करी चलीए। बिल्कुल अखां नहीं खोलनियां, बंद रखनियां ते आपदी आवाज़ नूं प्रॉपर सुनना। तुसीं देखो कोई विचार ही नहीं आएगा, रुक जाएगा मन। करो जी शुरू। वाहगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਧੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਧਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਏ, ਹਮਰਾ ਹਰ ਧੜਾ ਜਿਹਨੇ ਧੜੇ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ
जिहड़ा सानू श्वास दे के जिंदा रख रहा, जिसने सानू पैदा किया। तो साडा माता पिता भी प्रकाश रूप है, तो साडा जिहड़ा मन है वह भी जोश रूप है, प्रकाश रूप है, जिसनू महाराज समझाते कि मन आरसी को विरला गुरमुख देखे। हुण भाई लैणा जी ने समझा भी मन जिहड़ा है साडा वह जोश रूप है, प्रकाश रूप है, शीशे वांगू साफ है। तो पूछन लगे जी महाराज जी मन मेरा मैनू दिसेगा? वो कहिंदे जी बिल्कुल दिसेगा। जिवें जिवें तुसीं खेल नूं समझोगे, सिमरन करोगे, जागोगे, तो जोत जिहड़ी है प्रगट हो जाएगी। महाराज की समझाउंदे, कहिंदे सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब में चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। कहिंदे इह ही तां संसार दी कहानी है, संसार नूं मन दा भेत नहीं ते मन तो सारे दुखी ने। इस करके तुसीं जिवें जिवें इस रस्ते ते चलोगे तुहानूं आपदा मन दिसेगा, तुसीं आपदे आप दी पहचान करोगे। जदों तुसीं आपदी पहचान कर ली, तुहाडे ते मालक दे विच कोई अंतर नहीं रहेगा। जिसनूं महाराज समझाउंदे कि नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी। इस तरह जदों कृष्ण भगवान जी सी, उन्हां नूं इह ज्ञान सी कि परमात्मा भी प्रकाश रूप है, तो आत्मा भी प्रकाश रूप है, तो मेरा मन भी प्रकाश रूप है, जो स्वरूप है। वो फिर कहिंदे सी कि मैं परमात्मा, मन वालों संबोधन करके कहिंदे सी। एक रूप हो जाते, उस दे विच समा जाते। इस तरह गुरमुख प्यारे हुण भाई लैणा जी प्रैक्टिकल करन लगे। जिवें जिवें प्रैक्टिकल करते गए मन वैरागी हो गया, समझ आनी शुरू हो गई कि जिस कार्य वास्ते आए सी वो तो कीता ही ना, सिर्फ होर ही करते रहे। संगत भी मिली उतों भेत ना लग्या, सच्ची संगत नसीब ना होई, मरागी हो गए। महाराज समझाउन लगे भी भाई लैणा जी हुण वराग की लोड़ नहीं, तुसीं सतसंगत दे विच आ गए हो, हुण इस खेल नूं समझो। ठीक है, जिहड़ा तुहाडा वराग है बहुत अच्छी गल है कि साडा हिरदा जिहड़ा है इस संसार दे विच विचरदा होया, जदों तृष्णा दे विच पै जांदा मन, तृष्णा एक अगन है इस हिरदे नूं साड़ दिंदी है, तो सानू फिर उस मालक की याद में वराग नहीं आता। शुक्र है मालक ने कृपा की थी, तुसी इस खेल में समझ रहे हो, तुहाडा मन उस मालक की याद में वरागी हो रहा, वड्डे भागां की निशानी है। महाराज की समझाते, कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। कहिंदे जिवें मसाणा की सिव्यां की मिट्टी अगन दे सेक दे नाल सड़ जाती है, तो उत्थे कुछ उगदा नहीं, लेकिन जदों असी सतसंगत करते हैं साडा जिहड़ा मन है ये हरिया हो जाता है। जिसनूं महाराज समझाउंदे कहिंदे हर का नाम ध्याए के हो हरिया भाई। हुण गुरमुख प्यारिओ तड़फ वधदी गई, सहज विच गए, नाम प्रगट हो गया। हुण जदों नाम प्रगट हो गया, नाम दे नाल जुड़े, अमृत पीण लगे। जिवें जिवें अमृत पीते मन नूं सुख मिलता। महाराज की समझाते, कहिंदे साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब भजाइयां। हुण इथों उपर उठ गए त्रै गुणा तो, नाम समा गए, आपदे घर वसना शुरू कर लिया। तो महाराज नूं पुछण लगे कि महाराज बहुत प्यारी आवाज़ एक अंदरों सुनदी है, जो सानूं तुसीं समझाउंदे हो, कथा च दसदे हो, तो आवाज़ बड़ी हैरान कर देने वाली है। जिस नूं महाराज समझाउंदे कि अनहत नाद कह न जाई अचरज बिस्माद। महाराज जिवें जिवें उन्हूं सुनदे हैं
आनंद जिहड़ा वधदा जांदा है, मिठा रस पीण नूं मिलदा। महाराज दसन लगे भी ये जिहड़ा शब्द है ये उस परमात्मा दे मुख विचों प्रगट हो रहा है, इस नूं नाम कहिंदे ने। हुण तुहाडा मन जिहड़ा है हुकम दे विच आ गया है, इस नूं हुकम भी कह दिता है। एको नाम हुकम है, नानक सतगुर दिया बजाए जियो। ते जो मिठा रस है इसनों अमृत कहिंदे, तुहाडे मन की खुराक है, तुहानूं मिलनी शुरू होगी। ते हुण तुसीं जिवें जिवें इस नाम नूं सुनोगे, नाम समाओगे, ये रस वधदा जाएगा, हुण तुहाडी भगती शुरू होगी। जिसनों महाराज समझाउंदे कहिंदे, गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे। हुण गुरमुख प्यारे हो भाई लहणा जी मेहनत करन लगे, नाल नाल खेल नूं समझण लगे, मन वरागी हो गया। क्योंकि नाम जिहड़ा है ये साढ़े मन की मैल कढ दिंदा है। जदों असीं नाम नूं सुणदे हैं उदों साढ़े अंदर अमृतसर तीर्थ बनता है, अमृत पैदा हुंदा है। उहदे सुरती द्वारा सिमरन करदे अमृत होर वध जांदा है। जिसनूं महाराज कहिंदे कि मैल गई मन निर्मल होआ अमृतसर तीर्थ नाए। हुण गुरमुख प्यारे उह इशनान करन लगे अमृतसर दे विच, उदों फिर साडा मन जागना शुरू करदा है। महाराज की समझाउंदे कहिंदे, मैल गई मन निर्मल होआ अमृतसर तीर्थ नाए, सज्जन मिले सज्जना सच्चे शब्द सभाए, कर ही परचा पाया ज्योति ज्योत आए। हुण भाई लहणा जी प्रैक्टिकल करदे महाराज नूं दसदे, ते उस नाम नूं सुन सुन के मन वरागी हो गया, निर्मल हो गया। उस मालक दी याद विच महाराज की फरमा रहे ने, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ वेखण का चाहो। मन दे विच चाह पैदा होया। ते महाराज दे चरणां च बेनतियां करदे कि महाराज कृपा करो, है तो तुसी भी उहदा रूप हो, पर जिस दी तुसी दस पाउंदे हो कि उह प्रकाश रूप है, ते उसनूं असीं कदों मिलांगे, सानूं मिला दिओ। बेनतियां करन लगे कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप विचाई, कि मैं अपना आप उस तो वेच दिया। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, कहिंदे भी जे तुसी फिर उन्हूं मिलना चाहुंदे हो, तुहानूं आपदा जिहड़ा तन मन ते सवासां दा धन जिहड़ा है ये गुरु नूं सौंपना पएगा। वो कहिंदा जी बिल्कुल, भावें शीस ले लो पर मैनूं उस प्यारे नूं मिला दिओ। महाराज की समझाउंदे कहिंदे, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निआ पाईए। वो फिर जदों उन्हें सौंप दिता तो महाराज ने फिर उन्हां दे मन की जोत प्रगट की। हुण जदों जोत प्रगट हो गई तो महाराज दसन लगे भी हुण तुसीं इस तरीके नाल उस मालक नूं देखो। महाराज की समझाउंदे कहिंदे, पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। हुण गुरमुख प्यारे हो मालक दिसना शुरू हो गया, शीशे वांगू साफ। ते हुण महाराज कहिंदे भी तुसीं इहदी सेवा करनी, इहनूं देखणा। जिसनूं महाराज समझाउंदे कि नदरी सतगुर सेवीए नदरी सेवा होए, नदरी ए मन वस आए नदरी निर्मल होए। भाई लहणा जी सेवा करन लगे ते महाराज समझाउन लगे कि तुसी तन द्वारा भी जिहड़ी सेवा है वह जारी रखनी। जे तुसी तन करके सेवा जारी रखोगे तुहाडा मन होमे तो बचा रहेगा, लोक लज्जा तो उपर उठा रहेगा। जेकर तुसी सिर्फ मन की सेवा ते आ गए, जिन्ना चिर तुसी सच समाउंदे नहीं उन्ना चिर साढ़े वास्ते खतरा है। जे असी तन की सेवा करते रहेंगे साडा मन निम्रता च रहेगा, नहीं तो यह पंजे जने साढ़े अंदर फिर होमे का रोग खड़ा कर देंगे कि देखो हुण तुहानूं कोई लोड़ नहीं। भाई लहणा जी पहले ही बहुत समर्पित सन, बड़ी सेवा करते, मन होर वरागी हुंदा गया।
उस मालक नाल मिलाप हो गया, शरीर तो वक् होना शुरू हो गए। हुण गुरमुख प्यारे हो, फिर भाई लहणा जी सानू समझाउण लगे, दसन लगे कि समझाउंदे, कहिंदे वी जिहड़ियां शरीर दीआं ग्यान इंद्रियां ने इन्हां दा देखना सीमित आ, इन्हां दा सुनना सीमित आ, लेकिन असीं इन्हां तों बिना भी देख सकदे, इन्हां तों बिना भी चल फिर सकदे, इन्हां कन्नां तों बिना सुन सकदे। की समझाउंदे महाराज गुरबाणी च, कहिंदे अखी बाजो देखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना बिन हत्थां करना, जीभा बाजो बोलना। कहिंदे इस जीभ तों बिना भी असीं बोल सकदे हां, ओ जीवत मरना नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। हुण गुरमुख प्यारियो, गुरु नानक देव जी भाई लहणा जी नूं इस अवस्था दे विच लै गए, होर भी गुरमुख सन काफ़ी, लेकिन हुण तुसीं देखो ऐसा ज्ञान दा अंजन गुरु नानक देव जी ने संगत नूं दिता, उन्हां दे नेत्रां च पाया, शरीर तो उपर ठालिया, शरीर तो वक् होकर चलन लगे। हुण गुरमुख प्यारे हो, समा हुंदा है, हर जीव ने समय अनुसार जाना हुंदा देह छड्ड के। गुरु नानक देव जी ने दस्या कि भी असी हुण जाना, साडा समा है, ते जेड़ा खजाना सानू उस मालक ने दिता है ते वो असी अगे किसे दे सपुरद करना चाहुणे, लेकिन एक खजाना उस परमात्मा दा है, ते जेड़ा जीव साडे नाल उत्थे जा के उस मालक दे सन्मुख होएगा उसनू एक खजाना दवाया जाएगा। ते सब तो पहला भाई लहणा जी दे छड के सुन मंडल दे विच गुरु नानक देव जी नू मिले, ते उन्होंने फिर मालक दे सन्मुख करा के उन्होंने एक खजाना दवा दिता, जिसनू महाराज समझाउंदे कि गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान। ये खजाना अकथ कथा दा उन्होंने दवा दिता, जो अज चलदा चलदा सतगुर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे कोल मौजूद है, जो अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं। हुण गुरमुख प्यारे, जिहड़े अग्ञानी जीव सन जिन्हां दा प्रैक्टिकल नहीं, उन्होंने सोचा भी भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के हर एक हुक्म सत बचन कहिंदे सेवा कर दे, उन्हां मन घड़त कहानियां बना लिया भी जो गुरगद्दी देनी सी ते महाराज तुरे जाते उन्होंने छन्ना चिकड़ दे छिड़ दिता, तो कहिंदे जी छन्ना कढ़ो ते पुत्र राखे ना लगे, तो भाई लहणा जी कढ़ के लियाए। फिर कहिंदे उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया, डरावना रूप, इटे मारन लग पे संगत नूं, सारे पिछे रह गए, कल्ले भाई लहणा जी नाल गए। अगे फिर कहिंदे मुरदा पिया सी, उह कहिंदे खाओ जी। इहो जिहियां कहानियां जीव मनो घट जीवन नूं सुनाउण लगे, क्योंकि आपदा प्रैक्टिकल नहीं सी। हुण तुसीं देखो गुरु प्यारे हो, जिस गुरु नानक देव जी ने सानू ये दस दिता भी धरती किवें बनी है, वो किसी नूं मुरदा खाण नूं कहणगे? उन्होंने तो यह समझाउणा सी भी तुसीं विचार खत्म करो जिवें भाई लहणा जी ने कीते, इस देह नूं छड्ड के सुन मंडल चाओ, आपदे घर वसो, ये उत्थों की कहानी है। जिस नूं महाराज कहिंदे कि गम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बनवंता, साध जना की आश्चर्य कथा। ऐसा ज्ञान दिता उन्होंने। इस करके गुरमुख प्यारे हो, हुण अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी का रूप ने, दसां गुरुआं का रूप ने, तो ये सानू नहीं कहिंदे भी चिकड़ दे विचों छन्ना कढ़ो जां मुरदा खाओ, कहिंदे ने। ये जीव जिहड़े गुरु घर दे दोखी सन, जिहड़े उदों पखंड जिन्हां ने चलाया होया सी, जिस पखंड दे विच्चों सानू गुरु नानक देव जी ने आके कढ़िया, ये खेल समझाया, उन्हां जीवां ने फिर ऐसियां मन घड़त कहानियां बना के, ज्ञान उन्हां दे कोल नहीं सी,
सिर्फ तन की पूर्ति वास्ते लोगों आपकी सेवा से लाने वास्ते ये ज्ञान फैला दिता भी जो कुछ करना है असी करना तो तुहानू कुछ कही जाइए तुसी सत बचन कहना। लेकिन गुरमुख प्यारियो गुरबाणी गुरु सानू समझाउंदे ने कि देखो असी कोई कपड़ा खरीदना होवे तो बड़ी परख करदे हां माड़ा ना निकल जाए। इस करके कहिंदे वी तुसी गुरु की परख करनी पहला क्योंकि तुसी हुण तन मन धन देना जदों फिर तुसी देता फिर नहीं सोचना कुछ। इस करके कहिंदे उस तो पहला परख कर लैनी तो फिर सानू समझाउंदे जिहड़ा गुरु है साडे मन का भरम ही दूर नहीं कर सकता मन की ज्योत ही नहीं प्रगट कर सकता उस गुरु का की फायदा है। बाबा कबीर जी कहिंदे कबीर माए मुंडो तिस गुर की जां ते भरम न जाए। जिहड़ा कहिंदे भरम ही नहीं दूर कर सकता निकट सुनियो और पेख्यो नाहीं भरम भरम दुख भरिया होए कृपाल गुर लाए उपारदा मिलियो लाल मन हरिया। इस करके पूरे गुरु की निशानी है कि वह सानू उस सच दे सन्मुख कर दिंदा है मन की ज्योत प्रगट कर दिंदा है। ये गुरु की ड्यूटी हुंदी है सानू दरगाह परलोक दे विच निज घर दे विच वसा दिंदा दरगाह दे विचो साडा आउणा जाणा बना दिंदा ये सारा खेल सानू समझा दिंदा उसनू पूरा गुरु कहिंदे। इस करके महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी सानू समझाउंदे कहिंदे जे सो चंदा उगवे सूर चढ़े हजार एते चानण हुंदिआं गुरबिन घोर अंधार। सानू आपदे घर दा इस निज महल दा भेत नहीं लगता। इस करके गुरमुख प्यारियो हुण आपां वेखो प्रैक्टिकल कर रहे सारे गुरबाणी गुरु दे राहीं ते आपां हुण देह नूं छड्डना शुरू कर लिया आपदे घर वसना शुरू कर लिया निज महल दे विच ते महाराज सानू दसदे वी तुहाडे घर दी पोते निशानी आ उत्थे दिन रात नाम चलदा नौ दर ठाके धाव तरहाए दसवें निज घर वासा पाए उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। ते जिवें हुण वेखो समाप्ति ते आपां नूं गुरु घर दे वजीर प्रसाद वंडदे ने ते उत्थे साडे मन नूं प्रसाद जिहड़ा है अमृत वंडिया जांदा है उत्थे अमृत वंडिए फिर आपां भोजन छकदे हां तन वास्ते उत्थे साडे तन वास्ते भोजन जिहड़ा उह अमृत हुंदा है जिसनू महाराज समझाउंदे कहिंदे धावत थम्मिया सतगुर मिलिए दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जग थम रहाया। उत्थे फिर असी अमृतमई भोजन छकदे हां ते महाराज कहिंदे जदों असी अमृतमई भोजन छकिया मन वास्ते नाम आ भोजन इहदे चों अमृत पैदा हुंदा की होया कहिंदे हर नाम हमारा भोजन छत्ती प्रकार जित खाधे हमको तृप्त पई कहिंदे मन तृप्त हो गया। जिवें हुण तुसीं प्रैक्टिकल कर रहे हो अमृत पी रहे हो ते तुहाडा मन तृप्त रहिंदा तृष्णा च नहीं जांदा जदों नाम तो दूर हुंदा उदों फिर तुसीं फिर भजदे हो आपदे घर नूं निज महल नूं चलो भाई उत्थों खुराक मिलेगी ये चिंता उत्थे जाण ते दूर होएगी क्योंकि साडे निज महल दे विच चिंता मन दा प्रबंध आ उत्थे काम तिन गऊ दा प्रबंध आ सुरता दरख्त दा प्रबंध आ। कहन तो भाव जेकर कोई इत्थों दे लोक सानू किते भरम विच पा भी दिंदे ने चिंता विच पा भी दिंदे ने ते असी ज्यों ही संगत च आउणे साडा मन फिर त्रैकणा तो उपर उठ जांदा। फिर कहिंदे जे कोई तुहाडे मन की इच्छा है तो उत्थे काम तिन दा प्रबंध आ तुहाडे मन की इच्छा पूरी करेगी तो चिंता क्यों करदे किसे गल दी। महाराज की समझाउंदे कहिंदे इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जां के वस है काम तिन सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े तां सर्व सुख पावे मेरे मन। महाराज कहिंदे लोक दे भी परलोक दे भी सुख मिलणगे। इस करके गुरमुखो जिहड़ा साडा घर आ ना जिहड़ा साडा देश आ उत्थे दुख नाल दी चीज़ ही है नहीं कोई उत्थे दुख नहीं उत्थे सुख ही सुख आ। इस करके महाराज कहिंदे गुरमुखा अंदर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश उत्थे ऊंघ ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास। जिवें जिवें उत्थे आपां जावांगे उत्थे वसांगे सानू सुख मिलेगा फिर असी भजांगे उधर नूं। जिवें अपने नालों कई देश विकसित ने
उन्हां दी करंसी अपने नालों अच्छी है, उन्हां दा रहन दा ढंग उत्थों दा कानून अच्छा है, तो आप उधर नूं भज रहे भी उत्थे जाया जाए सुख आ, असी गुणा दे आधार ते फैसला लै रहे। इस तरह महाराज कहिंदे भी जिवें जिवें तुसी संगत करोगे तुसी फिर गुणा दे आधार ते फैसला लओगे भी वह घर सब तो अच्छा है। उत्थे जाण दे नाल जन्म मरण ही खत्म हो जाता है, उत्थे कोई दुख लाग ही नहीं आता, उसनों बेगमपुरा शहर कहिंदे ने, उत्थे कोई गम ही है नहीं। ऐसे घर की ऐसे देश की सानू गुरबाणी गुरु दस पा रहे हैं। तो महाराज कहिंदे जिवें जिवें उत्थे वसोगे तो इन्हां पंजां नूं भेद आ जाएगा भी इह आपदे घर भर वाले ने, तो फिर ये तुहाडे सज्जन बनणगे जो तुसीं मुख चों वचन करिया करोगे पूरा करनगे कि किसी तरीके फिर ये साढ़े घर च वस जाण। जे इत्थे रहणगे क्योंकि वेखो गुरमुखां दा संग करके इत्थों दे जीवां नूं भी सुख मिलदा है। इस करके गुरमुख प्यारिओ गुरु नानक देव जी दे घर ने यह सानू सारा खेल समझाया। महाराज सानू यही समझा रहे हैं कि जदों साडा मन नाम विच समा जांदा है उदों इस नूं खालसा कहिंदे ने, जोत प्रगट हो जांदी, जिस नूं महाराज कहिंदे कि पूरन जोत जगे घट में तब खालस ताहे निखालस जाने। जिहड़े जीव इस अवस्था में चले गए सी दसवें पातशाह दा संग करके, उन्हां नूं महाराज ने फिर पंजा प्यारियां दे सन्मुख करके मन की जोत प्रगट करके सच नूं मिला दिता। इस करके वो मन खालस हो गए, मैल सी सारी दूर हो गई, जोश रूप हो गया मन। उस दिन फिर उस दिन नूं कहिंदे ने कि खालसा दिवस, खालसा साजना दिवस, खालसा साजिया गया नवाजिया गया। इस करके महाराज कहिंदे कहो कबीर जन भए खालसे प्रेम भगत जय जानी, क्योंकि बाबा कबीर जी ने भी दस्या भी साडा मन उदों खालस हो जांदा है जदों नाम समा के प्रेमा भगती शुरू हो जाती, मालक दे सन्मुख हो जाता है, उदों इस नूं खालसा कहिंदे ने। इस करके फिर दसवें पातशाह ने समझाया भी देखो हुण तुसीं खालसे बन गए हो, जोश रूप हो गए हो, प्रकाश रूप हो गए हो मन तुहाडा, तो हुण बच के रहा जे कितें फिर त्रैगुणा दे विच ना सौ जाए जे, तो हुण तुसीं मेरा रूप हो। परमात्मा वालों संबोधन कर रहे हैं कहिंदे खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूँ निवास। तो फिर दसते हैं कहते जब ये गहे विपरन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। कहते जे फिर तुम त्रैगुणा च विचरना शुरू कर दिता इन्हों के संगी साथी बन गए फिर थोड़ी मैं प्रतीत नहीं करा। कि वड्याई दी कहते खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुर पूरा, इन्नी वड्याई दी। इतों तक कह दिता कहते इनकी कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोर पड़े। करन आले सब कुछ आप लेकिन खालसे नूं वड्याईयां दित्तियां। देखो गुरु प्यारे पूरे सतगुर सन, ते जे उन्हां ने पूरा ज्ञान दस्या ते गुरमुखां ने भी कमाल कर दित्ती, इहो जिहियां शहीदियां दे दित्तियां, इहो जिहा इतिहास खड़ा कर दिता, अज उस नूं पढ़ सुन के दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने नीयां विच खड़ गए, दस दिता कि असी शरीर तो उपर वसते हैं, ये साडा घर नहीं, ये साडा देश नहीं, बंद बंद कटाता, चरखड़ियाँ ते चढ़ गए, भैणा ने बच्चे नेजां ते टंगा लिया, देखो कैसी अवस्था सी उन्हां दी। ऐसा खेल दसवें पातशाह ने समझाया। इस करके महाराज कहिंदे कहिंदे इनकी कृपा के सजे हम हैं, वड्याई दे रहे ने कि देखो ऐसियां धारणा खड़ियां कीतियां, हुण बच्चे नूं नेजे ते टंगाउणा कोई छोटी गल तां है नहीं, देखो कैसी गुरु की वड्याई सिख। तो उन्होंने देखो सतगुर के हुक्म नूं सत सत करके मनिया, जिन्हों महाराज कहिंदे ने कि सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए। इस करके महाराज दसन लगे कहिंदे सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहां। 10 लख फौज के नाल 8 सिंघां का जथा जाता सी, सवा सवा लख कले कले आता सी, इस तरीके युद्ध करते कि भाजड़ा पा देंगे, एक पासे 10 लख तो एक पासे 8। देखो ऐसा खेल उन्होंने समझाया। इस करके गुरमुख प्यारियो आप फिर समझा रहे ने, किसी ने वचन किया कि महाराज बच्चे चारे ही शहीद कर दते, दसन लगे कहिंदे आ देखो सारे अपने बच्चे ही ने, कहिंदे इन पुत्रन के शीस पर
वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। इस करके गुरमुख प्यारे हो मारे कहिंदे भी जिहड़ा मेरा खालसा होएगा ना वह कल्ला कल्ला इन्ना प्रचार करेगा कि सवा सवा लख नूं जगाएगा, उन्हां मनां नूं जगाएगा। इस करके साडा मन है तां खालसा लेकिन सुता पिया, जिवें जिवें जागेगा फिर अगे ये प्रचार धर्म की पीढ़ी लैके चलेगा जो सानू दसवें पातशाह का हुक्म है। इस करके गुरमुख प्यारे हो देखो संसार ते आए हैं चले जाना, तो जिहड़े काम महाराज ने भेजा माता पिता ने जो करके जावांगे तो शाबाश मिलेगी, तो जे वो ना किया बच्चे वांगू खेलदे ध्याने लग गए कल्ला संसार दा ही किया तो इत्थे रह जाना धोखा हो जाएगा फिर असी पछतावांगे। इस करके महाराज कहिंदे भी नाल नाल जिन्ना चिर सुवास ने यह भी थोड़ा बहुत कर लो, मंग के ना खाना पवे, दृष्टमान धन मिलता रहे, लेकिन तरजीह उस नूं दिओ जिस कार्ज तुहानूं तुहाडे माता पिता ने भेजिया। महाराज की समझाउंदे कहिंदे जां को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मणे बसेरा, निज घर महल पाओ सुख सहिजे, बौर न होएगो फेरा, अंतर जामी पुरख बधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तुरे। जिहड़े संत हुंदे ने उह आपदे घर च वसदे ने दसवें द्वार च चौथे पद च सच्चे महल च, उह सानू फिर उत्थों दी कहानी सुणाउंदे ने ते उत्थे पहुंचण दा तरीका सिखाउंदे ने। ते महाराज कहिंदे वी सानू उहनां दी धूर तों मतलब उहनां दा ज्ञान जिहड़ा जो वह सानू उतों की कहानी सुना के उत्थे पहुंचन दा तरीका विधि जुगती समझाउंदे, कहिंदे ये सानू संतां दी धूर चाहीदी, ये संतां दी धूर होंदी। इस करके जिहड़ा शब्द आ जिसनू नाम कह दिता है गुरु कह दिता है उसनू भी संतां दे साधुआं दे भगतां दे चरण कहिंदे ने। असी उस नाम दे नाल उन्हां चरणां दे नाल जुड़ना हुंदा जो साढ़े अंदर ने, जिसनों महाराज कहिंदे कि गुर के चरण माथे मेरे उपर, जिथे आपां निज पत जदों ध्यान लाउणे इत्थों नाम शुरू हुंदा है, इत्थों गुरु दे संतां दे साधुआं दे चरण शुरू हुंदे ने। ते जदों असी उन्हां चरणां दे नाल जुड़दे हैं आ शरीर दा इह तां माया दा देश आ, इन्हां शरीर दे पैरां नूं वी आपां चरण कह दिंदे। महाराज ने इन्हां दी गल नहीं कीती, वह सानू समझाते हैं भी जिहड़े गुरु के चरण ने संतां साधुआं दे चरण ने वह शब्द है नाम, जिवें जिवें तुसीं उह समाओगे तुहानूं अमृत आएगा, वह चरण पाउ लिया। आम तौर पर आप सुनते कई जीव कहिंदे ने भी दसवें पातशाह ने अमृत छकाया, पहला जिहड़े गुरु सी वह चरण पाउ देंदे सी, किवें देंदे सी, वह पानी ले लैंदे ते उहदे विच आपदे पैर का अंगूठा घोल के ते अगले नूं पिया देंदे। लेकिन ये गुरमुख प्यारे ऐसे जीवन ने प्रचार किया जिन्हों का प्रैक्टिकल नहीं सी, जिन्हों का ज्ञान नहीं सी, लेकिन वह सानू चरण पौले देंदे कि गुरु के शब्द नाल जोड़ दे, ऐस नाम के नाल जोड़ दे जिथों साड़ी लिव टुटी सी, क्योंकि माता के गर्भ च असी इस नाम के नाल जुड़े सी, इत्थे साड़ी लिव जुड़ी सी, जिस करके उस अगन का सानू सेक नहीं लग्या, उस नाम के राही सानू अमृत पीन नूं मिलदा, जिसनूं महाराज कहिंदे जैसे जन्म जठर में प्राणी रहता नाम आधार, आनंद करे सास सास मारे ना पोहे अगनार। तो उस तरह ही फिर वह संत जन सानू वह कथ कहानी सुना के इस माया दे गर्भ च इतों उपर उठा के फिर उस नाम नाल साडी टुट्टी गंढ दिंदे ने। तो जदों साडी टुट्टी गंढी जाती आना जाना बन जाता तो फिर जन्म मरण का भरम नहीं रहिंदा। इस करके महाराज कहिंदे जन्म मरण का भरम गया, गोबिंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी। वो फिर जिवें जिवें आपां अभ्यास करदे एक सैकंड भी बहुत ज़्यादा, जदों इच्छा है आपदे घर चले जाओ, जदों इच्छा है इधर आ जाओ, घर साडा दूर तो है नहीं सामने, माता पिता भी साडा सामने, फिर जिवें जिवें इहदे नाल प्यार पाई जावांगे इसनूं देखी जावांगे। तो महाराज कहिंदे भी ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना, सभना गल्लां समरथ स्वामी सो को मनो वसारे,
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। महाराज कहिंदे भी वह समर्थ है पूरा, श्वासों तो बिना भी तुहानू रख सकदा, इन्ना समर्थ है। प्रभ भावे बिन सास ते राखे, इन्ना समर्थ है। होर कोई जीव सानू श्वास दे नहीं सकता। इस करके उस अकाल पुरख दे, करता पुरख दे, उस सच दे आपां गुण गाउणे ते बहुत वड्डे भागां दी निशानी है। जिन्हां जीवां ते उह किरपा करदा उही उहदे गुण गा सकदे ने। मारे कहिंदे ने कि से सिमरे जिन आप समराए, क्योंकि कर्म ही आ, दुख दा करांगे उहदा रिजल्ट दुख मिलेगा, सुख दा करांगे ते सुख मिलेगा। इस करके महाराज कहिंदे ने भी करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। आ रस्ता धात दा है, ये संसार दा रस्ता है। ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। इहदे ते साडा मन रजो गुण ते तमो गुण दा साथ लैंदा है। तृष्णा वाशना संसे वहम फिकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा साथ लैंदा है। ईरखा निंदा चुगली दा साथ लैंदा है। इस रस्ते ते चलन करके असी जन्म दर जन्म हारदे रहे, ते हुण असी इस कर्म नूं छड्ड के इस कर्मी नूं अपना लिया, इस रस्ते नूं अपना लिया, जिहनूं महाराज कहिंदे संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाए। हुण जिवें जिवें आपां इस रस्ते ते चलदे चलांगे मन सुखी हुंदा जाएगा। महाराज कहिंदे भी अगे उस कर्मी ने तुहाडी करनी ने तुहानूं मालक तों दूर करता, तुसीं धात दा रस्ता अपनाया, हुण तुसीं लिव दा रस्ता बना लिया, ते ये जिहड़ी तुहाडी करनी है ये तुहानूं मालक दे लागे लै जाएगी। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, ये हुण सारा खेल समझा के सानूं साडे ते छड्ड दित्ता है। इस करके आपां ईरखा निंदा चुगली दुबधा माड़ा बोलण तों बच के रहना, आप भी संगत करनी ते बच्चिआं नूं भी कराउणी। जे असीं बच्चिआं नूं संगत करावांगे बच्चिआं दा मन जाग पेगा, जदों मन जागेगा तां उह अपनी सेवा करनगे, नहीं तां इह पंजे जणे की करनगे, उहनां नूं भी कर्म चलझा देणगे, कर्म इन्ना वधा देणगे कि उहनां कोल समां ही नहीं होएगा कि माता पिता दी सेवा कर लैण जां माता पिता दी गल सुण लैण, उल्टी दुविधा खड़ी कर देणगे। इस करके आपां कोशिश करनी आ कि इहनां बच्चिआं नूं भी संगत कराउणी, ते हर एक ने आपदे घर नूं धर्मशाल बनाउणा। तुसी ड्यूटी तो समा कढ़ के, काम चो समा कढ़ के आपदे बच्चिआं नूं नाल बिठा के सारा परिवार कोशिश करो, नहीं तो बच्चिआं नूं तो जरूर समा दिओ, बैठ के सिमरन कराओ, गुरु की मत दिओ, क्योंकि साढ़े बच्चे सारी दिहाड़ी संग करते हैं टीचर साहबाना का, क्योंकि हुण पढ़ाई का दौर ज़्यादा चल रहा, स्कूलों कॉलेजों के टीचर साहबाना का संग करते हैं। हुण उन्हां दी बिरती पता नहीं तमो गुणी है, सतो गुणी है, रजो गुणी है, उन्हां दे विचार ही सहज सुभाए ग्रहण कर लैणगे। तो फिर जे असी इन्हां नूं समां ना दिता तो ऐटोमैटिकली इन्हां दे साडे नाल विचार नहीं रलने, तो जदों विचार ना रले तो फिर विचारां दा टकरा कलेश दा रूप धारण कर जांदा है। जे असी इन्हां नूं रोज़ समां देवांगे, इकट्ठे बैठ के सिमरन करांगे, साडे सवासां दी सांझ पएगी, सवासां दी सांझ दे नाल प्यार बनदा है। जिवें कि तुसी एक उदाहरण हो, तुसी ये सारा परिवार इकट्ठे सिमरन कर रहे हो लगातार, तो थले पेंदे हो, तो रुखा मिस्सा खांदे हो, तुहाडे च कोई लड़दा है, कोई बोलदा, दसो कदे कोई ऐसी अपने गल नोटिस नहीं आई लेकिन कदे संगत कोई बिस्तरे पिछे लड़पी या लंगर पिछे लड़पी, कदे नहीं। लगातार तुसी चार पाँच दिन इत्थे रहिंदे हो क्योंकि तुसी कट्ठे स्वासां रूपी खजाना इत्थे जमा करा रहे हो। जिवें जिवें साडा इत्थे खजाना जमा होएगा साडा आपस में प्यार पैंदा जाएगा। इस करके आपां कोशिश करदे हां वी सारिआं नूं बेनती करके सदी दा आओ भाई आपां बैठ के नाम जपीए, जिवें फिर आपां इत्थे इकट्ठे हैं मन जाग पिआ इसे तरह सदा वास्ते उस मालक दे चरणां विच इकट्ठे हो जाएंगे, तो इन्हां जूनां दे विच आउणा नहीं पएगा, तो सुखी हो जाएंगे महाराज की कृपा दे नाल। इस करके गुरमुख प्यारो बेनती है, ये बच्चे तो आपां सारे उस परमात्मा दे हैं, पर लेकिन चलो इस खेल दे विच आपां किसी नूं बच्चा किसी नूं बच्ची माँ प्यो दादा दादी कहने, तो फिर साडा फर्ज़ बनता है भी असीं इन्हां नाल बैठ के कुछ समां बतीत करिए, किते ऐसा ना होवे कि पंजे जणे सानूं उलझाई रखन, तो जदों फिर असी बच्चों नूं समां नहीं दे पावांगे फिर वो साडी कहने तो बाहर हो जाते हैं। ये आपां कोशिश करनी, संगत भी करवानी बच्चों नूं, तो रोज़ आपदे घर नूं धर्मशाल बनाउणा। महाराज कहिंदे जय कर साधना सेवीए हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सारखे भूत बसे तिन माहे,
कहिंदे जिस घर दे विच संतां दी सेवा भाव के नाम नहीं जपया जांदा, उस मालक नूं याद नहीं किया जांदा, वह घर नहीं कहिंदे, वह तां शमशान घाट ने, उत्थे भूत वसदे ने। इस करके गुरमुख प्यारिओ, आपां आपदे घर नूं गुरु घर बना देना, मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना। जिवें जिवें उत्थे नाम जपोगे महाराज की कृपा, फिर आपां इक इकट्ठे बह के इत्थे जपदे, अज होर कल होर सुख ही सुख हो जाएगा। सो जी आयां नूं जी बहुत बहुत धन्नवाद। इन्ने विचार करदिआं होइआं कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे, संगत ते गुरु बख्शन योग ने, बख्श देना जी दास तुहाडा बच्चा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।